CS रैंक न्यू सीजन 20 कब आएगा, क्या क्या स्पेशल रिवार्ड होगी, कौन सी न्यू इमोट होगी, कैसा होगा इस बार का हीरोइक टी-शर्ट, प्लस ये सीजन 20 का एक बेस्ट रैंडम बुया ट्रिक। सबसे पहले बात करते हैं CS रैंक न्यू सीजन बैनर और अवतार की। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ये है अपना सिल्वर का बैनर, और ये सिल्वर का बैनर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ईगल का देखो लोगो, देखो कितना सुंदर है। यहाँ पे देखो गोल्ड का, देखो भाई ऑसम है। गोल्ड का भी इस बार का बहुत सुंदर है, पहले बार से इस बार का गोल्ड का बहुत ज्यादा बेहतरीन किया गया है। प्लेटिनम का देखो प्यारा सा प्लेटिनम भाई, ये अगर प्लेटिनम प्लेट देख रहे हो भाई, देखो अगर आप प्लेटिनम में रहोगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, एंड बात करते हैं अपना डायमंड का कैसा होगा बैनर, तो डायमंड का भी देखते हैं। ओ डायमंड का देखो कितना शाइनी है गाइस, बहुत ज्यादा शाइनी है। डायमंड कूल लगता है, थोड़ा वायलेट है यार, ठीक है वायलेट एंड पिंक का शेड दिया है। देखते हैं हम लोग को हीरोइक का कैसे, देखो इस बार का हीरोइक और भी ज्यादा बेहतरीन और अपडेटेड इस बार का अपना हीरोइक का बैनर। एंड हम लोग देखेंगे हीरोइक का टी शर्ट भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं मास्टर का कैसा है बैनर। तो देखो मास्टर का बैनर, और ये रहा अपना मास्टर का जो बैनर है, मुझे लगता है हीरोइक का काफी अच्छा है। ओके हीरोइक का काफी अच्छा है, मास्टर का थोड़ा सा मतलब यहाँ पे कम किया है, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग देखते अपना अवतार वगैरह, अवतार के देखो अपना ये रहा हीरोइक का अवतार जो कि आप लोग देख सकते हो ब्लू कलर का है, एंड ये है मास्टर का अवतार जो कि बैनर से काफी 100 गुना अच्छा है। अब हम देखते हैं गाइस एक्सचेंज स्टोर बंडल, जो कि एक्सचेंज स्टोर होगा ना गाइस, उसमें एक नया बंडल ऐड किया गया, वो भी देखते हैं कैसा होता है। इस बार का जो एक्सचेंज स्टोर होगा ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है एंड बहुत ही ज्यादा सबसे अलग है। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो गाइस, ये है हमारा बंडल। सबसे पहले का जो क्या लेडीज बंडल दिया था ना, इस बार का थोड़ा मेल बंडल है। मैं तो बोलूंगा भाई बहुत ही ज्यादा अपडेटेड एंड बहुत ज्यादा खूबसूरत है एंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम भाई, बोल तो बहुत ज्यादा सुंदर है ठीक। इस बार अगर बात करें नया कौन सा वेपन आएगा अपने CS रैंक में इस बार का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस इस बार का जो CS रैंक का वेपन है गाइस बहुत ज्यादा यूनिक है एंड बहुत ज्यादा सबको पसंद आने वाले। आप लोग देखो स्क्रीन पे, इसका नाम है M1917। यहां पे दो गोली है गाइस ठीक, M1917 मतलब आपका यहां पे दो हाथ में पकड़ के चलता है गाइस, वही यहां पे आपको दिखाया गया है ठीक है, डिस्क्राइब किया गया है। अब मैं आपको इसका एट्रीब्यूट दिखाता हूं क्या है। सबसे पहले इसका इंटरफेस देख लो गाइस कैसा होने वाला है, गोल्डन रंग का होगा गाइस ठीक। आप लोग देखो गाइस गोल्डन एंड ब्लैक येलो मिक्सर है गाइस ठीक, मिक्सर है। यहां पे इसका एट्रीब्यूट है यहां पे रेंज और मैगजीन एंड एक्यूरेसी माइनस है, तो मुझे तो सच बता दो गाइस यहां पे ठीक ही लगा है, रेंज हिसाब से ठीक ही है, यहां पे एक्यूरेसी के जो माइनस कर दिया उसके लिए बुरा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरे पास ये स्किन नहीं है तो मैं जरूर इस चीज के लिए ट्राई करूंगा, क्योंकि वैसे नहीं ज्यादा नहीं, बस गोल्ड आपको अचीव करना है, गोल्ड 3 ओके, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CS रैंक सीजन 20 हीरोइक टी-शर्ट, लेकिन साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट ये भी बात करेंगे सीजन का डेट और टाइम कौन सा है, ओके कब ये चेंज होने वाला, टाइम कौन सा होगा एंड डेट कौन सा होगा वो भी बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं हीरोइक का टी-शर्ट किस प्रकार का इस बार का है, तो चलो आ जाओ स्क्रीन पे। इस बार का जो हीरोइक का टी-शर्ट है आप लोग देखो स्क्रीन पे किस तरह से है, यहां पे आप लोग को डार्क रेड है, ओके डार्क रेड मतलब थोड़ा सा मरून रेड भी बोल सकते हो, मरून कलर का रेड है। एंड यहां पे आप लोग देखो हीरोइक का लोगो जो कि आप लोग का फ्रंट में भी है, थोड़ा सा आधा है दिखा हुआ है एंड आपका बैक साइड में फुल है, ये ना बहुत ही सुंदर है गाइस। यहां पे ठंडी वाले मतलब बोल सकते जैकेट दिया है ठीक है, ठंडा में जो विंटर जैकेट होता है उस प्रकार से दिया है ठीक है। लेकिन बात रही तो भाई इसका हीरोइक का टी-शर्ट इस बार का काफी बेहतरीन है गाइस, पहले से जो आप लोग का देख सकते हो कैसा है यार, आप भी का देखो कैसा है, तो बोल सकते हो गाइस ये भी बहुत सुंदर है। मैं बोलूंगा हीरोइक अपडेट करो ठीक है, आप लोग हीरोइक करो अगली बार। नेक्स्ट हम लोग देखते गाइस CS रैंक का सीजन डेट और टाइम, कौन सा डेट एंड कौन सा टाइम है, उसके लिए हम लोग को जाना होगा गेम पे, तो आ जाओ आ जाओ गेम पे। एंड इस बार का जो सीजन अपडेट हो रहा है मैं आपको वो दिखाता हूं, देखो सीजन कब अपडेट हो रहा है, ये अपना है सीजन 19 का 1 तारीख को ये खत्म होगा ठीक है, 1 तारीख को जो बोल सकते हो अगस्त का जो आने वाला 1 तारीख है ओके, यहां पे खत्म होएगा। तो आएगा कब, अब आने वाला है ये भी 1 तारीख को ही आएगा, मतलब देखो गाइस ये आपको अपडेट होगा, जैसे देखो 10 बजे खत्म होगा सीजन एंड 10 बजे के बाद जो आपका दोपहर का 1-2 बजेगा ना, उसी वक्त आपका सीजन 20 भी आ जाएगा ओके, नया सीजन 20 भी आ जाएगा, बस आपको 3-4 घंटे का गैप मिलेगा, उस 3-4 घंटे में आप लोग अपना नॉर्मल CS खेल लेना एंड सीजन 20 अपडेट जैसे होगा 2 बजे या फिर 1 बजे उसी वक्त आपको गेम स्टार्ट कर देना सीजन रैंक ठीक है, न्यू सीजन 20 का। बस ध्यान रखो गाइस यहां पे 1 तारीख को खत्म हो रहा है, ये याद रखने की बात है। अब हम बात करते हैं CS रैंक का न्यू इमोट, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं CS रैंक का एक ग्रैंड मास्टर ट्रिक है जो रैंडम प्लेयर्स के लिए है एंड CS रैंक का एंड ड्रॉप लीड्स, अगर आप लोग कौन से रैंक में हो एंड न्यू सीजन कौन से रैंक में आपको गरेना फेंकेगा उसका एक कंप्लीट लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा आप कौन से रैंक में जाने वाला हो ओके। तो सबसे पहले हम लोग न्यू इमोट की बात करते हैं, इस बार का कैसा इमोट है। फ्रेंड्स जब आप CS रैंक में ग्रैंड मास्टर करोगे तो आपको ये इमोट मिलेगा ओके, मास्टर के लिए
अभी ये दूसरा इमोट होगा, लेकिन अभी जो आप लोग ग्रैंड मास्टर करोगे ना आपके लिए ये इमोट होगा, ओनली फॉर ग्रैंड मास्टर, ये ओनली स्पेशल इमोट है। सारे ग्रैंड मास्टर प्लेयर गरीना से रिक्वेस्ट किया कि एक इमोट होना चाहिए ग्रैंड मास्टर प्लेयर के लिए भी, तो उन्होंने सुन लिया उसकी बात, तो ये अच्छी बात है ग्रैंड मास्टर प्लेयर की एक इमोट। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सीएस रैंक एंड ड्रॉप लिस्ट, एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे इजी ग्रैंड मास्टर बुया ट्रिक फॉर रैंडम प्लेयर्स। ओके तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंड ड्रॉप लिस्ट की, तो उसके लिए गेम में जाना होगा यार, चलो गेम में आते फ्रेंड्स में आ चुके एंड ड्रॉप लिस्ट में, एंड हम आते हैं नीचे सीएस मोड में। ओके तो सीएस मोड में आप लोग देखो यहां पे सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है। ओके यहां पे आप लोग देखो गाइस पोज करके, लेकिन हम लोग बात करते हैं हीरोइक प्लेयर्स के लिए, तो देखो हीरोइक और मास्टर के लिए बात करते हैं, ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं। यहां पे देखो सबसे हीरोइक टू 0 टू 9 में, अगर 0 से लेकर 9 के स्टार के बीच में हो तो प्लेटिनम 3 पे जाओगे, एंड हीरोइक का 10 से लेकर 19 स्टार के बीच में हो तो प्लेटिनम 3 पे ही जाओगे, एंड अगर हीरोइक का 20 से लेकर 29 के बीच में हो तो प्लेटिनम 4 पे जाओगे, एंड हीरोइक का 30 से लेकर 39 के बीच में हो तो प्लेटिनम 4 पे ही जाओगे, हीरोइक का 40 से लेकर 50 के बीच में रहोगे तो डायमंड 1 पे रहोगे। ओके और अगर बात रही आपने मास्टर तो कर लिया लेकिन आपका बहुत माइनस हो गया, एंड माइनस होते होते आप 0 टू 17 के बीच में हो आप लोग, ठीक है हीरोइक का 0 टू 17 बीच में हो, लेकिन आपने मास्टर किया है तो आप डायमंड 2 पे रहोगे, एंड अगर आप लोग ऐसे सेम अगर हुआ फिर से हुआ जो आपका माइनस होते होते, फिर अगर आप 18 से लेकर 32 के बीच में हो तो आप लोग डायमंड 3 पे रहोगे, एंड बात अगर आप लोग मास्टर के 33 के 47 के बीच में हो मतलब माइनस हो के सेम, ओके तो आप लोग डायमंड 3 पे ही रहोगे, लेकिन बात रही अगर मास्टर का आप अपने बिना माइनस खाए आपने मास्टर का 48 से लेके 72 स्टार के बीच में हो तो डायमंड 4 पे रहोगे, अगर मास्टर का 73 स्टार से लेके मास्टर का 999 स्टार जो कि ग्रैंड मास्टर प्लेयर पे भी लागू होते हैं वो भी डायमंड 4 पे रहोगे, मतलब अभी हम लोग कितने पे मैं आपको वो दिखा दूं, ठीक है मैं अभी फिलहाल शायद से 61 पे स्टार पे हूं, 61 स्टार पे हो तो मैं जाऊंगा डायमंड 4 पे, ओके इसी तरह वर्क करता है, तो ध्यान रखना गाइस मैंने आपको जैसे समझाया एंड ड्रॉप लिस्ट आप लोग समझ गए। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सीएस रैंडम बुया ट्रिक फॉर सीजन 20। देखो अगर सीजन 20 आता है ना आप लोग खेल रहे हो सीजन 20 पे तो आपको कैसा वर्क करता है ये ट्रिक मैं आपको समझाता हूं। तो देखो आप लोग अगर सीएस रैंडम खेल रहे हो एंड अगर आपका ऐसा प्लेयर है जो गाइस एमवीपी मारता है गाइस, ठीक है यहां पे स्क्रीन पे देखो मेरा फ्रेंड में भी ऐसा है, मतलब मेरा टीम में भी ऐसा है जो एमवीपी किया है, आप लोग देखो गाइस यहां पे एमवीपी है ना। अब यहां पे क्या होगा गाइस, जैसे गेम खत्म हुआ गाइस हम लोग लॉबी पे आया, मैं क्या करूंगा फटाफट से जाऊंगा इन सारे प्लेयर को रिक्वेस्ट दूंगा, ठीक है रिक्वेस्ट दूंगा ताकि सब लोग एक साथ खेले, लेकिन उनमें से एक है एमवीपी प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा किल किया मुझसे भी हाईएस्ट किया, तो मैं क्या करूंगा इसको रिक्वेस्ट दूंगा एंड उसको बुलाऊंगा अपने ग्रुप में, ठीक है अगर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता तो अच्छी बात है, नहीं करता टेंशन मत लो। अब यहां पे क्या मैं स्टार्ट कर दिया, अब वापस से क्या हुआ उस प्लेयर जो है बनी स्टार नाम का जो प्लेयर आप लोग देख रहे हो गाइस ये बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, ठीक है मैंने आइडिया लगा लिया पहले ये बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है। ओके यहां पे देखो ये गेम भी हमने बुया किया एक साथ, अब क्या हुआ हम लोग नेक्स्ट गेम वापस से स्टार्ट किए तो नेक्स्ट गेम भी मैंने बुया किया इसके साथ। अब ये जो बंदा है ना गाइस इसका गेम प्ले काफी ऑसम गेम प्ले, ठीक अगर आपको लग रहा है ये बंदा भाई एमवीपी किया है भाई इतने सारे किल के साथ तो उसको रिक्वेस्ट भेजो, नहीं तो उसके साथ गेम प्ले करो जितना उसे उतना गेम प्ले करने की कोशिश करो। ओके आप टीम फॉर्मेट करो, आप लोग टीम फॉर्मेशन करोगे ठीक है, बहुत ही सुंदर से आप बुया करोगे रैंडम में अगर आपका एक्सपीरियंस इस तरह से है जैसे मैं आपको समझाया। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ आपका हाईएस्ट स्कोर कितना है सीएस रैंक में, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे उस बंदे का कमेंट पढ़ने में बहुत मजा आता है जो सच में कमेंट करता है। ओके तो मुझे आपका कमेंट का इंतजार है, आप लोग कमेंट करो, बाकी इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके, लाइक करो प्लस सब्सक्राइब द चैनल माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।